मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और ऐसा रोज का पंचांग किसी ज्योतिष के माध्यम से अगर आप सुनते हैं तो नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन हम अंदर बाहर से पूरे शुद्ध होते हैं तो हमारे वास्तु दोष सब खत्म हो जाते हैं। तो हमारी भक्ति ये पूरी शुद्धि या शास्त्र के अनुसार अगर हो तो हमें ऐसा अनुभव प्रतीत होता है दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज इतवार तारीख 9 अप्रैल 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की तृतीया तिथि है। सुबह 9:36 के बाद संकष्ट चतुर्थी का आरंभ होगा। नक्षत्र आज का दोस्तों विशाखा नक्षत्र है। दोपहर 2 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र का आरंभ होगा। योग दोस्तों आज का सिद्धि योग है। रात को 10:13 के बाद व्यतिपात योग का आरंभ होगा। करण दोस्तों आज का विष्टिकरण है। सुबह 9:36 के बाद बौ करण शुरू होगा और रात को 9:10 के बाद बालव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 ऐसी हो सकती है। सूरज मीन राशि में होगा, चांद तुल राशि में होगा, बृहस्पति अपनी मीन राशि में होगा और शनि अपने कुंभ राशि में होगा दोस्तों। दोस्तों, आप बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन के बारे में हम जानेंगे। आगमन दोस्तों सुबह 6:28 पर होगा तो निगमन दोस्तों 6:53 के बाद होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार से हम आज की पूजा का संकल्प छोड़ेंगे। इसके लिए आप अपने दाहिनी हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल ले ले, उसमें थोड़े अक्षत डालें और एक फूल या फूल की पंखुड़ी डालें और संकल्प बोलना शुरू कर दें दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राधनाया प्रवर्त मानस ब्रह्मणो द्विती परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1945 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरणों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्षे इतवार वासरे विशाखा नक्षत्रे सिद्धि योगे विष्टिकरणे तृतीया शुभ तिथो मनुगोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोहपात दुरितक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार पूजा नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहाँ पर यह संकल्प खत्म होता है। अभी आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह को 9:36 तक है। अगर इस समय के बाद आपको कोई धार्मिक विधि के लिए संकल्प अगर छोड़ना है तो आपको ऊपर वाले पंचांग का आधार जरूर लेना होगा दोस्तों। दोस्तों, अब कुछ धार्मिक विधियों के मुहूर्त हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले सगाई तथा मंगनी
मुहूर्त है तारीख 9, 13 और 14। गोद भराई के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 9। नामकरण के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 14। मुंडन या चूड़ा कर्म के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 16। गृह प्रवेश के लिए जो लौकिक स्वरूप का होता है, व्यावहारिक स्वरूप का, उसके लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 15 और 16। दोस्तों इसके बाद कुछ मुहूर्त विधियों के लिए मुहूर्त अब इस चैत्र मास में नहीं है दोस्तों, जिसमें वास्तु शांति, शादी ब्याह, भूमि पूजन तथा पायाभरण, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा या जनेऊ संस्कार, ये सभी विधियां आती है जिनके कोई मुहूर्त आप चैत्र मास में नहीं है दोस्तों। दोस्तों इस तरह जब मुहूर्त नहीं रहते हैं तब आप किसी पंडित से या किसी ज्योतिषी से या किसी पंचांगधारी से मुहूर्त निकालना जबरन ना करें दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है, इसे जानकर ही आप अपने लिए मुहूर्त चयन करें किसी पंचांगधारी से या ज्योतिषी से या किसी पंडित से दोस्तों। दोस्तों इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से या अपने अज्ञान की वजह से या अपने सुख के खातिर या कोई एडजस्टमेंट के खातिर या अपने धर्मद्वेष के खातिर खुद होके किसी पंडित के सहारे मुहूर्त ना निकाले या किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए मजबूर भी ना करें दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दिए गए इन मुहूर्तों के अलावा और भी कुछ मुहूर्त हटके दिए गए हैं, गौण काल या आपातकाल या चातुर्मास काल या कुछ ग्रहों का अष्ट काल, इनका भी आप चयन ना करें क्योंकि यह मुहूर्त आम जनता के लिए नहीं होते हैं दोस्तों, इमरजेंसी लोगों के लिए होते हैं। जैसे कि किसी को विदेश जाना या आना होता है या परलोक जाने वाले की इच्छा पूर्ति के लिए या किसी दुल्हा दुल्हन को जबरदस्ती से रिश्ते में बांधने के लिए। दोस्तों इस इमरजेंसी मुहूर्त काल में संपन्न होने वाले धार्मिक विधि से हम कितना खुश हो पाएंगे कुछ कहा नहीं जाएगा। इन मुहूर्त में कुछ कमी की वजह से उल्टे हमारे दोष बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। दोस्तों आप पंचांग में दी गए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह अभी हम जानेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों आज दोपहर 2 बजने के बाद अच्छा दिन है, उसके पहले नहीं है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों सुबह 9:36 का भद्रा है जो अशुभ काल होता है। दोस्तों संकष्ट चतुर्थी भी है आज, भगवान श्री गणेश जी को अपनी सेवा महीने में एक बार आपको उनके चरणों में अर्पण करनी है दोस्तों। तो इस संकष्ट चतुर्थी के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, सफेद स्पेशल वीडियो जो हर महीने में मैं आपको बताते रहता हूँ कि कैसी गणेश जी की सेवा करनी है चाहिए ताकि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए दोस्तों, संकष्ट चतुर्थी का। चंद्रोदय बंबई में दोस्तों एक रात को 9:56 पर है, कृपा करके इस समय के पहले आप कभी भी खाना उपवास छोड़ने ना बैठे, खाना ना खाए या हो सकता है आपका उपवास टूट जाए। अग्निवास दोस्तों धरती पर अग्निवास सुबह 9:36 तक ही है, उसके बाद के समय में नहीं है। अगर आपको नया से कोई होम यज्ञ या शुरू करना है तो इस समय के पहले आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं दोस्तों।
या तो आपके कार्य में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है या उसका फल आपको मिलना मुश्किल होता है। राहु काल दोस्तों सायंकाल में 4:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। कृपा करके आप अपने लिए जो महत्वपूर्ण काम है आपके काम वो इस समय में ना करें, क्योंकि आपको भय की वजह से यह जो कार्य है वो असफल होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। इस समय के बाद अगर उसको काम को करेंगे तो वो झट करके आपका काम हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये पंचांग यहाँ पर ही खत्म होता है। दोस्तों आपको और कुछ कहना है कि जैसे विधि, कोई भी धार्मिक कर्मकांड हम अगर विधिवत या संकल्प छोड़ के अगर करते हैं तो 100% और जल्द जो हमारी सेवा है वो संबंधित देवता के पास पहुंचती है और संबंधित देवता हमें आशीर्वाद देता है जी दोस्तों। इसलिए हम ही होते हैं हमारे जीवन को बगनाने वाले और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आपका अपना कमेंट्स करना जरूर ना भूले दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचे के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभो, महादेव।